प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, कौन इसे पहचाने हो। बेगाने अपने लगते बेगाने हो। प्यार मोहब्बत गुस्सा नफरत दिल में कई खजाने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। पुल के बन जाते हैं दुश्मन यार पुराने, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं सूली पर दीवाने। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने। पानी भरे दिए मुठियारे नी, पानी का घोट पिला निभागिए नारे नी, अड़िए पानी का घोट पिला निभागिए नारे नी। अपना भरिया नारिया सफाई आवे, लाच पई पर पी के भागे हराई आवे, अड़िया लाच पई पर पी के भागे हराई आवे। कर्मा वाली कुलवंत की बदौलत आज बरसों बाद मेरे आंगन में कितनी रौनक लगी है। क्यों फातिमा, मेरे इस आंगन में कितनी रौनक लगा करती थी। हम लोग मिलकर कितना चरखा काता करती थी, कितने गाने गाया करती थी, है ना भाई जी? क्या गाने भी गाया करती थी? और क्या, तू समझती है क्या मुझे गाना नहीं आता? मैंने तो आपको कभी गाते नहीं सुना। अरे अपना ब्याह करवा तब गाऊंगी, जी भर कर सुन लेना। वैसे तो उन दिनों हम सब गाया करती थी, पर असल रौनक लगाती थी ये फातिमा। फातिमा मुझसे आप क्या क्या कर लेती हैं, गाने गा लेती हैं, शादी ब्याह पे दुल्हन को सजा लेती हैं, दाई का काम भी कर लेती हैं। अरे काम तो बहुत कर लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल मंदा चल रहा है, हाथ पर हाथ धरे बैठी। वो कैसे मौसी? अरे तुम प्यार करो, तुम्हें सजाओ तो काम मिलेगा ना। हम कब मना कर रहे हैं मौसी, बना दे आज हमें दुल्हन। हाँ जैसे मुझे कह रही हो, अपनी माँ से तो कहो ना। मेरी माँ बेचारी तो मेरी शादी के फिक्र में रात रात भर सोती ही नहीं, अब जाकर देखो तो सो रही होगी। देखो ना, देखो कैसी बेशर्म हो गई है मरजानिया, अपनी माँ का भी लिहाज नहीं करती। अरे फातिमा ये तो तेरे से मजाक कर रही है, और तू तो इनके पीछे ही पड़ गई। मैं जानती हूँ सतारनी जी, जब डोली पे बैठेगी ना तब देखना कैसे चीख चीख कर रोएगी। वो तो मौसी दिखावे का रोना होता है, ना रोएंगी तो तुम ही कहोगी अपनी शादी पर इतनी खुश है कि मरजानिया रोई भी नहीं। जल्दी आओ मौसी, जल्दी जल्दी से गर्म पानी।
उम दादा घर पर चलो, आपको जल्दी बुलाया है। घर? मुबारक हो प्राजी, लड़का हुआ। मुंडुआ से भाई मुंडुआ, तुम सगे परा दिनु खांदे पुड़िया, रत मिठा पुला, चल तेरी मेरी, चल कौड़ी फेरी, चल तेरा मेरा, चल कौड़ी फेरा। सिंधुआ से भाई मिंदुआ, दोनों सके परा दिनु खांदे पुड़िया, रत मिठा पुला, चल तेरी मेरी, चल कौड़ी फेरी, चल तेरा मेरा, चल कौड़ी फेरा। चल सिंधुआ उस देश वे जित पके निवेश, चल तेरी मेरी, चल कौड़ी फेरी, चल तेरा मेरा, चल कौड़ी फेरा। ओ सिंधुआ ते भाई मिंदुआ, दो सके परा दिनु खांदे पुड़िया, सिंधुआ पुत्र पठान दा मेरा जिदकी, सिंधुवे मारी पशतो मेरा सर गया जी में ना समझी। ओ सिंधुवे चुकलिया चिमटा, मैं समझ गई, चल तेरी मेरी, चल कौड़ी फेरी, चल तेरा मेरा, चल कौड़ी फेरा। ओ सिंधुआ ते भाई मिंदुआ, दोनों सके परा दिनु कांदे पुड़िया। आप ये दर घर दे पातशाह जो सरदार दादा सरदार मोहन सिंह जी, दादी इंद्र कौर जी, दादा ओम प्रकाश जी, दादी राम प्यारी जी, सरबत परिवार मिल के अपने पोतरे की खुशी विच एकत्र होए हैं। श्री नंद किशोर जी, माता कांता जी अपने सपुत्र के नाम करन दी याचना करन दे तार पातशाह जी, आप बच्चे की दीर्घ आयु करनी, नाम दान बख्शना, माता पिता दे आज्ञाकार, दादी दादे दे आज्ञाकार, देश कौम दे वफादार दतार पातशाह जी, जेता सुन सागर नीर भरिया, ते अवगुण हमारे, दया करो किश मेहर उपाओ, डुबदे पत्थर तारे, जी अड़ा अग्न बराबर तपै, भीतर वगे काती, परनवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवै दिनरथ पातशाह जो, सरबत गुरु परिवार दियाँ अरदासां आदमियां दर ते प्रवान करने पातशाह जो, पवित्र हुक्मनामे बख्शो पातशाह जीओ, गुरमुख परिवार वालों इन्हों खुशियां दे विच कड़ाव शक देख दर हाजर दर प्रवान करो, प्रवान हुई देख आप जी दी साध संगत सिंह रह कलो, जो प्रसाद छके आप जी का नाम जपे, भुला चुका माफ करने, छे पौड़े आनंद साहब जी की अरदास, आप जी दे चरणा कोलां पास, जो दारा सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत आंदा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ गुरु गरीब निवाज जियो, तनासरी महला चौथा, इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम धेना, सो ऐसा हर ध्याये मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम धेना, सो ऐसा हर ध्याये मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम, हालत पलत मुख उज्जल होइए, नित ध्याये हर पुरख निरंजना, रहाओ जय हर सिमरन भया, ते उपादगत कीनी वड भागी हर जपना, जन नानक कौ गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना, जन नानक कौ गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सत्संग जो दादी दादा सारा गुरु परिवार बैठा है, ईड़ी अक्षर
ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਈੜੀ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੰਦਰ ਕੌਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਰੱਖੇਗੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਮਰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਿਉਂ ਰੰਦੂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ 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 ਠੀਕ भाई जी काके का नाम इंदर मोहन रख दिया जाए सरदारनी जी मैं तो बहू से लड्डू खाने को तरस गई जब वाहेगुरु की मेहर होगी तब जी भर के लड्डू खा लेना अगर पोता हुआ तो तुझे रेशमी जोड़ा सिलवा दूंगी और अगर पोती हुई तो कहाँ देने वाली हूँ अरे फातिमा यकीन कर तब भी सिलवा दूंगी ये ले तेरी लाग अल्लाह तेरे ते मेहर करे सरदारनी बरकत पाए मैं बहू के लिए तावीज ला दूंगी देखना जरूर बेटा होगा तेरा मुकरना वाला फातिमा जरूर ला देना देखो ना कांता ने तो मुझे दादी बना दिया अब तू भी जल्दी से बना दे बहू परजाई जी सत श्री अकाल नमस्ते राम प्यारी तेरे बना जाए जी मेरे पुत्र आज कैसे आई मंदिर गई थी पंडित जी के पास कुलवंत के लिए आज क्या बात है बहुत उदास हो कोई बात नहीं कुछ तो जरूर है देखा पकड़ी गई ना नैन मुझसे कह रही थी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती वो कह रही थी कि 3 साल हो गए और अभी तक मेरा बच्चा नहीं है देखो कुलवंत वाहेगुरु की कृपा से मायूस नहीं होते वो हम पर खुशियों की बरसात जरूर करेंगे कब होगी हम पर खुशियों की बरसात मैं तुम्हें रावलपिंडी ले चलता हूँ वहां जाकर बड़ी डॉक्टरनी को दिखाएंगे और अगर इलाज की जरूरत हुई तो वहीं कर लेंगे रावलपिंडी जाएंगे किस बहाने अगर किसी को पता चल गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी नहीं नहीं हाँ धारजी नंदू को कपड़ा खरीदने रावलपिंडी भेज रहे हैं मैं उन्हें कहूंगा नंदू की बजाय मुझे भेज दे और तुम्हें घुमाने के बहाने साथ ले चलूंगा वो मान जाएंगे हाँ मानेंगे क्यों नहीं और देखो मरने की बात फिर नहीं करना सरदार जी आप जरा अंदर आइए
डॉक्टर जी, मेरी कुलवंत को बच्चा होगा ना? मैंने इनका चेकअप कर लिया है, अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो इनको बच्चा कभी नहीं हो सकता। इलाज होने के बाद मेरी कुलवंत का बच्चा होगा? हाँ हाँ। तो आप जल्दी से दवाइयां लिख दीजिए, जितनी भी महंगी हो हम सब खरीद लेंगे, जल्दी लिख दीजिए आप। इनका इलाज दवाइयों से नहीं है। तो कोई टोटका है क्या? किसी पीर फकीर के पास जाना है, किसी गुरुद्वारे मत्था टिकाने ले जाना है? जी नहीं, एक छोटा सा ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन? मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। लोग मर जाते हैं ऑपरेशन कराने से, मैं नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी। ऑपरेशन से तो बहुत से लोग अच्छे हो जाते हैं। आपको क्या मालूम, मेरे मामा लाम पे गए थे, वहाँ ऑपरेशन करते वक्त ही उनकी मौत हो गई थी। मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। आपको क्या मालूम, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी, मैं अभी कह रही हूँ। तुम माँ बनना चाहती हो ना? हाँ। तो फिर ऑपरेशन करा लो, डॉक्टर साहब ने बताई ऑपरेशन में कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ भी हो जाएगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। What an attitude. मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। इतना घबरा क्यों रही हो? क्योंकि लोग मर जाते हैं ऑपरेशन कराकर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, तो तुम ऑपरेशन मत कराना, लेकिन इतना रो क्यों रही हो? क्योंकि तुम घर जाके सबको बताओगे, दीजी को, दाजी को और चाची और कांधा को बताओगे, वो मजबूर करेंगे मुझे ऑपरेशन कराने के लिए। नहीं बाबा नहीं, उस पर विश्वास नहीं क्या? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, वादा करता हूँ। सच कहते हो? हाँ कुलवंत, मुझे बच्चे की नहीं तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मुझे बच्चा नहीं तुम चाहिए कुलवंत। तुम नहीं कराओगी? मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लो। सुबह सुबह ये कोई वक्त है सहरा बांधने का? तुम तो मजाक समझ रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक समझ रहा हूँ। अगर घर के बड़ों को पता चल गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें जल्द ही पता लग जाएगा। तुम बता दोगे? नहीं, लेकिन इस सूरत के साथ अगर तुम इस घर में घूमती रही तो उन सबको पता लग जाएगा, और अगर कांता और चाची को पता लग गया तो वो तुम्हारा ऑपरेशन करा के ही रहेंगे। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हो ना, तो मैं दोबारा सहरा नहीं बांधूंगा। क्या बात है भैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? स्टेशन से बिल्ली छुड़ा के लाता हूँ। पापे, ओ मंदर पापे, मंदर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है मंदर, उसे छुपा रहा है तू? कोई बात नहीं नंदू, मुझे बिना बताए दुकान छोड़कर आ गया? क्यों, दुकान छोड़ के नहीं आ सकता क्या मैं? मंदर मैं ये नहीं कह रहा, देख रहा हूँ जब से रावलपिंडी से वापस आया है बिल्कुल सुमसा रह रहा है। कोई बात नहीं है नंदू। देख महेंद्र, अगर तेरे सुखों का साथी हूं मैं तो तेरे दुखों
तेरे गमों का भी हकदार हूं मैं। मुझे बता, तुझे मेरी कसम। तुझे मेरी कसम, तुझे बताना ही होगा। कसम खाने के लिए बोलता है मुझे? तुझे बताना ही होगा महेंद्र, माफ मुझे, तुझे मेरी कसम। नंदू फिर कसम मत खा। नंदू मैं कभी बाप नहीं बन सकता, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। नंदू मेरे घर में कभी बच्चा नहीं खेलेगा, कभी बच्चा नहीं खेलेगा। सच कह रहे, कुलवंत परजाई को अच्छा नहीं हो सकता। हाँ कांता, कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं कांता, ये बिल्कुल सच है। लेकिन कांता, तुझे मेरी कसम, ये किसी को बताना नहीं, माता जी को भी नहीं। सुहागन रहे। कांता, बच्चा तेरे पास रो रहा था, तू उसे उठा नहीं सकती? भाभी, इसे तो उठाओ तो भी रोता है, ना उठाओ तो भी रोता है। मेरे पास आके क्यों चुप हो जाता है? आपके पास चुप हो जाता है तो आप ले जाओ इसे, रख लो अपने पास। इसको तो जब देखो रोता रहता है। मुझे घर में हजारों काम है, मैं इसे कब तक गोदी लिए फिरे रहूं? ठीक है, तुम मैं लेके चली। राम प्यारी जी तेरे पुत्र, तो फिर ले जाऊं काके को? तू तो यूं कह रही है जैसे इस पर पूरा हक मेरा ही है। रानी की माँ तू, नंदू की माँ तू, तो फिर ये पोता कैसे मेरा हो गया? अरे अरे, तू तो यूं ही मुंह फुलाने लगी राम प्यारी। ले जाऊं काके को? कांता, काका के कपड़े दे दे। अरे तेरे कपड़े बड़े किमखाब के हैं, वहां भी बन जाएंगे। हाँ हाँ, रानी को अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा कर उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर चढ़ा दिया, अब बिगाड़ इसे भी। हाँ हाँ बिगाड़ूंगी, क्या पोता मेरा नहीं है? तेरा ही है, ले जा उसे। तू जा जा पोता। आजा पुत्र आजा। आ गया जवान। क्या पिताजी? आजा आजा। चले माँ, पिताजी के लिए आऊंगा, धोकर खिला दे। बहुत थकिया। तेरा आज तैयार कहाँ है? पिताजी हमारे कोली साहब है ना, एक कपड़े की एजेंसी के मैनेजर जो है, उन्हीं के पास किसी काम से गए थे। अच्छा अच्छा, जा बेटा मुंह हाथ धोले, रोटी देती हूं। बड़ी धो ले फिर खाना खा लियो। ना कांता ना, इसका पेट खराब हो जाएगा। Thank you.
पेरीपोना चाहिए। ओ जी मेरे पेरीपोना चाची जी तरह बेटे सत श्री अकाल बुला दादी को। अरे सत श्री अकाल। कल इसको दिल्ली गुजारे मथा टिकाने ले जा रहे हैं। अच्छा कहने लगा दादी से मिलके जाऊंगा। चल बेटा चल अंदर चल। नहीं चाची कल की तैयारी करनी है। सत श्री अकाल भाई। बल्ले बल्ले दिल्ली दे आज तो बड़ी सोनी लग रही है। ओए जुलाई दी मछली मां पे ना देख ले पर जाई जल गया। चुप होए चाची जी। कांता किधर है? कांता अंदर है बेटी। चल चाची से मिलके आते हैं। सत श्री अकाल। आजा। नहीं इसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बोल चाची हम चलते हैं। चल कल दिल्ली जा रहे हैं ना तुझे घर जाके सामान बांधना है। बस तुझसे मिलने आया था। बस ये काल कर दे। सत श्री अकाल बेटी। दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दी जाने कौन दिला